हाँ तो दोस्तों, जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जो डेथ्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती ही जा रही हैं। इस टाइम भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडिया में नियर अबाउट 17,000 डेथ्स ड्यू टू कोरोना वायरस हो चुकी हैं। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद अमेरिकाज डेटा, तो अमेरिका में 1,29,000 से अबव डेथ्स हो चुकी हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, क्यों अमेरिका में इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं और इंडिया में इतनी कम? मैं इतनी कम डेथ्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में 135 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 17,000 देखें तो वो एक बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है। लेकिन अगर मैं एक्चुअली कहूँ तो 17,000 डेथ्स ड्यू टू कोरोना वायरस नहीं हुई, क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी रीज़न हैं। मैं उनके बारे में अभी फ़िलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता, ना ही कोई बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस डॉक्टर विश्वरूप की आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन जो मेन बात है कि अमेरिका में इतनी सारी डेथ्स क्यों हो रही हैं वो आपको शायद ही कोई बताएगा। सबसे पहले मैं बात करूं तो अमेरिका में जो लोगों की इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो वीक कंपैरेटिवली इंडिया के मैं अकॉर्डिंगली कह रहा हूं। वो इस वजह से कह रहा हूं, आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो कि हमें बचपन से ही हमें बाय बर्थ मिलती है। सेकेंड इम्यूनिटी होती है जिसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमें ड्यूरिंग लाइफ टाइम मिलती है, ड्यू टू इन्फेक्शंस मिलती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें तरह तरह के बैक्टीरिया वायरसेस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन्स। वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट करवा के हमारी बॉडी में चले जाते हैं या डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। इस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस ऐसे एनवायरनमेंट्स में ज़्यादा होती है जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस यानी कि एंटीजन्स हों। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका या बहुत और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट में एंटीजन्स बहुत कम मिलेंगे। मतलब उनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है एज़ कंपेरेटिव टू इंडिया या अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो वहाँ पे आपको जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो बहुत ही कम देखने को मिलेगी बच्चों में। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इंडिया को है कि यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों में ठूस ठूस के भरी हुई है। तो इसी वीक इम्यूनिटी के चलते हुए अमेरिका में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हम एक हेपेटाइटिस बी के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ऐसा एक वायरस जो कि लीवर पे अटैक करता है और उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। दुनिया में टोटल छः कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपने जो उनका रेकमेंडेड वैक्सीनेशन जो शेड्यूल है उसमें हेपेटाइटिस बी को ऐड नहीं किया हुआ। उस पर नंबर वन में है यूके, स्वीडन भी है और भी कंट्रीज़ हैं। अगर यूके की बात करें तो वहाँ पे अभी तक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये वायरस बहुत कम है, इसकी वजह से वो इसकी वैक्सीनेशन को अभी तक उन्होंने अपनी शेड्यूल में एंटर मतलब पूरी तरह से एंटर नहीं किया हुआ। ये वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की 1981 में बनी थी, लेकिन इंडिया में भी ये वैक्सीन 2007-2008 में आई थी। क्यों? क्योंकि इंडिया में भी हेपेटाइटिस बी की भरमार है। ये वायरस जगह जगह कंटेमिनेटेड फॉर्म में है, ये पानी के सैंपल्स में हमारे ईजिली हमारे नॉर्मली मिल जाता है। तो ये एक गाइडलाइन है कि यूके से जब भी कभी कोई इंडिया टूरिस्ट वीज़ा लेके आएगा या वैसे भी कभी आएगा तो उसे एक मैंडेटरी वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है हेपेटाइटिस बी की, ताकि वो यहाँ पे आके इन्फेक्ट ना हो। तो यहाँ आपको छोटे छोटे क्लूज एंड प्रूफ्स मिल रहे हैं कि इंडिया में जो इम्यूनिटी है वो हमें एक्वायर्ड ऑलरेडी मिलती जाती है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। और थर्ड जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि अमेरिका में जो इम्यूनिटी डाउन है वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से नहीं है, उसका एक और रीज़न है कि उनकी जो डाइट है वो बहुत ही चेंज है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को जो उनकी अमेरिकन्स की इम्यूनिटी को डाउन करती है। ये एक आर्टिकल है जो कि साइंस न्यूज़ मैगजीन में छपा था। यहाँ पे उन्होंने एक पर्सन का नाम बताया जिसका नाम है ब्लेयर रिवर,
ये ब्लेयर रिवर नाम का लड़का जो कि अप्रॉक्सीमेटली 575 पाउंड्स का था, मतलब 260 केजी के आसपास का ये लड़का था, जिसको ये कह के बुलाया जाता था कि इसका हार्ट जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ का है, उसकी मौत हुई, उसकी डेथ हुई ना कि हार्ट की वजह से लेकिन ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस वो वायरसेस हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा ए है, बी है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस को भी इन्फ्लुएंजा की कैटेगरी में रखते हैं और वाकई शायद ये है भी। और कोरोना वायरस के केस में भी हम यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वही लोग ज़्यादा मर रहे हैं, उनकी डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हैं या रीनल डिजीज़ हैं या डायबिटीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रूव्स एंड क्लूज मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। और क्यों इंडिया में कम मौतें हो रही हैं और बाहर ज़्यादा मौतें हो रही हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो आपको पता होगा, आपने याकुल्ट की एड शिल्पा शेट्टी की शायद ज़रूर देखी हो, उसमें आपको बताया जाता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो मोर देन 70% हमारी इंटेस्टाइन से हमें मिलती है, जो हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है उसकी वजह से हमें वो इम्यूनिटी मिलती है। और ड्यू टू अमेरिकन डाइट ये इम्यूनिटी कम होती है, ऐसा इस आर्टिकल में, इस साइंस आर्टिकल में लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको दिखा भी देता हूँ। बेसिकली जो अमेरिकन डाइट है, इट इज़ रिच ऑफ रिफाइंड शुगर्स, फैट्स, जो कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और इसी रिसर्च आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि कुछ अमेरिकन वॉलंटियर जिन्हें अमेरिकन डाइट से शिफ्ट किया गया अफ्रीकन क्यूजीन, जो कि अफ्रीकन टिपिकल डाइट है, जो कि हाई फाइबर डाइट है, और डाइट पे शिफ्ट करने के सिर्फ 2 हफ्तों के बाद जो उनकी इन्फ्लामेशन थी, इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन थी, वो जो सोजिश थी वो कम होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम फिर दोबारा ट्रैक पे आना शुरू हो गया। ये कहना है अमेरिका के ही एक फिजिशियन जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस में ही है, कि उन्हीं का ये कहना है कि अमेरिकन डाइट कैन डैमेज द इम्यून सिस्टम। ये आपको इसी पेपर में मिल जाएगा, और इस पेपर का लिंक, इस रिसर्च आर्टिकल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप पूरा पेपर पढ़ सकते हो बड़े ध्यान से, जिसमें आपको ये सारे प्रूफ एंड क्लूज मिल जाएंगे कि अमेरिकन डाइट वाकई ही उनके इम्यून सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रही है, जिसकी वजह से इतनी मौतें हो रही हैं। और बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम आपका डाउन जाएगा ही जाएगा। जंक फूड्स की अगर बात करें तो अमेरिका या डेवलप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जंक फूड यूज़ किया जाता है, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी पेपर में, इसी रिसर्च आर्टिकल में छपा हुआ है, ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा आपके साथ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। ये एक ऐसा, आप एक ग्राफ देख सकते हो यहाँ पे, उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स का ये ग्राफ ड्रॉ किया है जिनको डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन दी गई। जैसे जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ती थी, वैसे वैसे उनके ब्लड में मोनोसाइट्स और जो WBCs हैं उसका काउंट बढ़ने लग जाता था। ये तब बढ़ते हैं जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, मतलब कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई सोजिश हो रही है, किसी ना किसी तरह का कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये भी आपको इंडिकेशन मिलती है कि आप अपनी डाइट में सॉल्ट जब जब बढ़ाएंगे आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा ही जाएगा। आपको हर कोई बताएगा कि आप ज़्यादा नींद लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने डाइट को ठीक कीजिए, तो आप अपना इम्यून सिस्टम ठीक रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि सॉल्ट एक्स्ट्रा लेने से, जंक फूड लेने से भी आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा। और अगर मैं दोबारा वापस आऊं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी पे, तो वो बार बार इसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट को बंद कीजिए और वेजिटेरियन रॉ फूड पे आप डाइवर्ट हो जाइए। ये पेपर एक ऐसे रिसर्च पेपर में छपा है, ऐसे एक जर्नल में छपा है जिसको झुठला दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट नहीं सकता। ये छपा है नेचर में, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़िए इस पेपर को। इस पेपर में उन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है कि जो कुछ वॉलंटियर्स उन्होंने लिए और उनको नॉन वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट कर दिया गया, आफ्टर शिफ्टिंग ऑन द नॉन वेजिटेरियन डाइट उनकी जो इंटेस्टाइन थी उनमें
उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया बनना शुरू हो गया जिसका नंबर वैसे तो काउंट बहुत कम होता है। ये बैक्टीरिया है बाइलोफिला वर्ड्सवर्थिया। ये एक ऐसा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि नॉन वेजिटेरियन डाइट बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन में ज़्यादा ग्रो अप होने लगा और उसकी वजह से इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन बढ़ने लगी। और यही एक प्रूफ है कि इस बैक्टीरिया के बढ़ने से इन्फ्लामेशन जब बढ़ेगी तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको मैं एक ऐसा साइंटिफिक प्रूफ आज आपको देके जा रहा हूँ जो आपको ज़रूर डॉक्टर विश्वरूप रॉय की वीडियोस देखने को मजबूर करेगा कि आप क्यों वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट हों। तो मैं आज आपको ये सारे प्रूफ्स देके जा रहा हूँ, रिसर्च आर्टिकल देके जा रहा हूँ, रिसर्च पेपर देके जा रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको अभी भी कोई क्लैरिटी चाहिए कि इंडिया में इतनी कम डेथ्स क्यों हैं और अमेरिका में या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थीं वहाँ पे इतनी डेथ्स क्यों हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।